पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार। उत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 25 लाख लोग प्रभावित, अब तक 78 लोगों की मौत, 30 जिलों पर असर। असम में बाढ़ से जानवर भी परेशान, अब तक 125 जंगली जानवरों की मौत। मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी, रेल सेवा भी प्रभावित। मुंबई में बारिश के कारण उपनगरीय और हार्बर लाइन पर जलभराव, लोकल रेल सेवा प्रभावित। ठाणे में बारिश की मार से सेंट्रल रेलवे को नुकसान, रेलवे ट्रैक के नीचे बही मिट्टी। पालघर में अचानक बाढ़ से फंसे 16 लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गोवा में भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद, आईएमडी के अलर्ट के चलते सीएम सावंत ने किया ऐलान। यूपी कई जिलों में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति, कई जगहों पर जल भरा। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर, बाढ़ से बही 2 लेन सड़क, कई पेड़ धराशायी, लाइव वीडियो आया सामने। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ का प्रकोप, नेपाल से पानी छोड़ने के से उफान पर नारायणी नदी, कई गांव डूब गए। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से पर बोले डीएम, पिछले 15 दिनों में हुई 624 mm बारिश। लखनऊ में सड़क धंसने का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद, बन गया बड़ा गड्ढा। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के चलते चारधाम यात्रा स्थगित, यात्रियों से यात्रा न करने की अपील। उत्तराखंड में टनकपुर में भारी बारिश के दौरान जंगल में फंसी महिला, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित बचाया। जोशीमठ के मेपेंका पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ यात्रा रुकी, प्रशासन की श्रद्धालुओं से यात्रा रोकने की अपील। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी खाली कराई गई गिरजा देवी मंदिर के आसपास की दुकान। बिहार के मोतिहारी में 2 पुलिया ध्वस्त, 4 महीने पहले हुआ था एक का निर्माण। झारखंड के देवघर में इमारत गिरने से अब तक तीन की मौत, एनडीआरएफ ने 6 लोगों को निकाला सुरक्षित। कोलकाता में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, कई सड़कों पर भरा पानी, रेंग रेंग कर चला ट्रैफिक। मध्य प्रदेश के कटनी में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण, बाइक साइकिल कंधे पर रखकर नदी पार कर रहे लोग। मणिपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, सरकार से बाढ़ प्रभावित कारीगरों की दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील। हिमाचल के लाहौल स्पीति गांव में धसी जमीन, सैकड़ों बीघा भूमि, मकान, सेब के बागीचों में पड़ी दरार। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर आज रूस रवाना, 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे मॉस्को पहुंचेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में देंगे राष्ट्रपति। पीएम मोदी मॉस्को में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, क्रेमलिन में रूसी सैनिकों की कब्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंध, व्यापार पर चर्चा करेंगे पीएम, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी होगी चर्चा। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे, पिछले 41 सालों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली यात्रा। राहुल गांधी दिल्ली से असम के लिए रवाना, सिलचर में लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद करेंगे। असम के बाद राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करेंगे, चुराचांदपुर और जिरीबाम में हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे। हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद राजधानी इम्फाल जाएंगे राहुल गांधी, राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से राहुल गांधी की यह तीसरी यात्रा, राहुल ने मणिपुर से ही न्याय यात्रा की शुरुआत की। एमपी में आज मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस से बीजेपी में आए राम निवास रावत, ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट, तीसरी बार सीएम बने हेमंत सोरेन, लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, एनसीडब्ल्यू चीफ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज सकती कांग्रेस, तेलंगाना से सिंघवी को बना सकते उम्मीदवार। रायपुर में कृषि सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, सहकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। सरकारी नौकरियों पर सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, कहा इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्ती। पेपर लीक पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा, युवाओं के सपने तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे, एसआईटी ने 108 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में द स्विमिंग 70S नाम की पुस्तक का विमोचन किया।
नीट यूजीसी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट के फैसले पर टिकी 24 लाख निगाह। पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या मामले पर राज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई। हाई कोर्ट में 4 दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत दी। नोएडा के निठारी हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र कोहली और पंडेर को बरी किया। फिल्म आंख मिचौली पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला। फिल्म में दिव्यांगों का मजाक बनाने का आरोप हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। वकीलों के काले कोर्ट के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। 1961 के एडवोकेट एक्ट में संशोधन की मांग की गई। नेशनल मॉडल बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 21 जुलाई को दुनिया को कैलाशा दिखाएगा नित्यानंद। गुरु पूर्णिमा के दिन लोकेशन का खुलासा करेगा। टीवी पर नित्यानंद की पूर्व शिष्या सारा लैंड्री का खुलासा। कहा नित्यानंद को मानने वाले कई लड़कियां गाय। नित्यानंद का कैलाशा में सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का दावा। 2 करोड़ छात्र और 1,000 से ज्यादा शिक्षक होने का दावा। फ्रांस के संसदीय चुनाव में लेफ्ट गठबंधन की बढ़त। लेफ्ट गठबंधन को 182 सीटें मिली। मैक्रों के ब्लॉक को 168 सीटें मिली। फ्रांस के संसदीय चुनाव के बाद राजधानी पेरिस में भड़का दंगा। पुलिस और दंगाइयों में कई जगहों पर झड़प। पेरिस में उपद्रवियों के बीच सड़क पर साइकिल जलाई। फ्रेंच पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़। फ्रांस के ल्यून शहर से आई झड़प की तस्वीरें। पुलिस पर हमला करके संसदीय चुनाव में जीत का जश्न मना रहे उपद्रवी। फ्रांस के रेनेस शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल आज इस्तीफा देंगे। नए मंत्रिमंडल के गठन तक पद पर बने रहेंगे। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा ऐलान। कहा हमास ने कई हजार लड़ाकों की नई भर्ती की। लड़ाकों को दे रहा है घातक ट्रेन। नेपाल में बाढ़ से भयावह तस्वीरें आई हैं। तबाही की रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रही है नेपाल आर्मी। बाढ़ बारिश ने नेपाल में मचाई भारी तबाही। बाढ़ की तेज धार में नेपाल की सड़कें ध्वस्त। 45 सड़कों पर आवाजाही बाधित। चीन की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पर बना बांध टूटा। 5,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने नियुक्ति के 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के लिए नए पैकेज की घोषणा की। हथियार और गोला बारूद भेजेगा ब्रिटेन। हिजबुल्ला का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 100 से ज्यादा दागे रॉकेट। माउंटेन बेस को बनाया निशान। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सेना पर TM-62 ग्रेनेड से किया हमला। जोरदार धमाके से उड़ी बिल्डिंग। रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन के 40 ड्रोन हमले। रूसी सेना ने 26 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। कई गांवों में नुकसान। ओडिशा में रूस के इस्कंदर मिसाइल के हमले अटैक में यूक्रेन के 2 पैट्रियट सिस्टम नष्ट। एक रडार स्टेशन भी तबाह। रूस के यूक्रेन के फायरिंग पोस्ट पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले। रूस ने दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। रूस की यूक्रेन पर विध्वंसक गोलाबारी। रूसी हमले में यूक्रेन की 16 चौकियां तबाह। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया जापान। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। मेघालय में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। मंगोलिया के राजदूत और भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर हुए शामिल। दिल्ली के LG ने वापस लिया 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश। केजरीवाल सरकार ने जताया था कड़ा विरोध। आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों के तबादले को BJP की साजिश करार दिया। कहा दिल्ली वालों के दबाव में LG को आदेश वापस लेना। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा शिक्षकों और बच्चों के पेरेंट्स का संघर्ष सफल। भोपाल में हुई प्रदेश BJP कार्य समिति की बैठक। CM मोहन यादव ने कहा गरीब किसान युवा महिलाओं को ध्यान में रखकर कर रहे काम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस चुनाव में जीत का गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। इस झूठ को बेनकाब करना। दिल्ली में रविवार को हुई BJP प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट शासन से परेशान है। 2025 चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार से मुक्त होगी दिल्ली। मुंबई के KEM अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मरीज की रिपोर्ट से बन रही है पेपर प्लेटें। पूर्व मेयर ने वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल। KEM अस्पताल के डीन
से मिली मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग। केईएम अस्पताल ने 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएमसी ने भी जांच के लिए कमेटी गठित। सरकार साकार हरी के वकील एपी सिंह का दावा, बोले जहरीले स्प्रे से मची भगदड़। संभल में सूरजपाल के अनुयायी का दावा, बाबा की पूजा करता था दीपक का परिवार। हाथरस हादसे पर चश्मदीद का बड़ा दावा, कहा बाबा के ऐलान के बाद मची भगदड़, बाबा ने कहा पैरों की रज लेकर जा। जम्मू में हुए 3 बड़े हमले में लश्कर का हाथ, आतंकी घटनाओं के पीछे आतंकी साजिद, एनआईए ने आतंकी साजिद पर 10 लाख का इनाम रखा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 दहशतगर्दों को किया मुठभेड़, मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई की बड़ी साजिश, बीएसएफ ने तरन तारण बॉर्डर पर ड्रोन को किया ढेर। जम्मू कश्मीर नार्को टेरर मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एनआईए को लंबे समय से थी आरोपी की तलाश। मणिपुर में सेना और पुलिस का तलाशी अभियान, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पूरी रथ यात्रा में सीएम मांझी का मृतक के परिवार को 4 लाख सहायता का ऐलान, घायलों का मुफ्त इलाज की घोषणा। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पुरी में खास इंतजाम, राष्ट्रपति मुर्मू ही शाह। मथुरा के इस्कॉन मंदिर से निकाली गई श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा, भक्ति में झूमे श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। गुरुग्राम में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को साई आंगन मंदिर में किया गया स्थापित। अजमेर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ रथ खींचा, दर्शन के लिए शामिल हुए श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में एक सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट, 16 लोग आए। सूरत से आ रही लग्जरी बस सतपुर सापुतारा घाट पर खाई में गिरी, बस में सवार थे करीब 70 लोग। मुंबई हिट एंड रन में मुख्य आरोपी के पिता समेत एक शख्स गिरफ्तार, आज दोनों को किया जाएगा कोर्ट में पेश। मुंबई के वर्ली में कल कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की हो गई मौत। मुंबई हिट एंड रन मामले में बोले सीएम एकनाथ शिंदे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रन से हराया, अभिषेक शर्मा ने लगाई सेंचुरी, सीरीज 1-1 से बराबर। आंध्र प्रदेश में फैंस ने खास अंदाज में मनाया धोनी का जन्मदिन, गांव में 100 फीट ऊंचा धोनी का कटआउट लगाया।